हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लिपिड कंटेनिंग ड्रग का पार्ट टू, जिसमें हम आपको बताएंगे बुल फैट के बारे में। मींस बुल फैट क्या होता है, क्या उसका बायोलॉजिकल सोर्स है, किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाता है, डिस्क्रिप्शन अबाउट द बुल फैट, उसमें क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, मींस उसकी केमिस्ट्री, उसके बाद किस तरीके से उसको इवैल्यूएट किया जाता है, उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में, और कहाँ कहाँ पर इस बुल फैट को फार्मास्यूटिकली इसको यूज़ किया जाता है और इसका क्या कमर्शियल यूज़ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और हमने इससे पहले मींस लिपिड कंटेनिंग ड्रग पार्ट वन में हमने आपको बताया था बीज़वैक्स के बारे में डिटेल में, तो उस वीडियो का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये जो बुल फैट है, इसको हम और क्या बोलते हैं, इस बुल फैट को सिनोनिम्स है एनहाइड्रस लैनोलिन भी कहा जाता है, इसको एडिपस लिनाई भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ये हमको कहाँ से ऑप्टेन होता है, इसका सोर्स क्या है, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो ये बुल फैट जो है, ये प्यूरिफाइड फैट लाइक सब्सटेंस होता है। और ये कहाँ से हमको ऑप्टेन होता है, इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द वुल ऑफ शीप। शीप जो होता है, मींस जो भेड़ है, उसका जो ऊन होता है, उससे हमको ये फैट लाइक सब्सटेंस मिल बुल फैट हमको ऑप्टेन होता है। और जिसका जोलॉजिकल नेम क्या है, ओविस एरिस शिप का, और उसकी फैमिली क्या है, बॉबिडी। तो ये हो गया बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बुल फैट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बुल फैट। तो इस बुल फैट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, तो जैसा हमने आपको बताया था कि ये बुल फैट, जैसे कि नाम है, ये बुल से हमको ऑप्टेन होता है। और बुल कहाँ से ऑप्टेन होता है, फ्रॉम द शिप। तो ये जो शिप होता है, इस शिप के जो सेबेसियस ग्लैंड होता है, इस सेबेसियस ग्लैंड से सिक्रीट होता है द सब्सटेंस, और वही सब्सटेंस जो है वुल फाइबर में जो उन होता है उसमें डिपॉजिट हो जाता है ये सिक्रीशन, और वही क्या कहलाता है, वही जो है बुल फैट कहलाता है। तो जो रॉ वुल जो कलेक्ट करते हैं हम, जो ऊन जो कलेक्ट करते हैं उस भेड़ से, तो उसको उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो बुल फाइबर, बुल फाइबर के साथ साथ उसमें स्विंट प्रेजेंट होता है। स्विंट या कह सकते हैं उस भेड़ का स्वेट, या बुल स्वेट कह सकते हैं। जिस दो केमिकली होता क्या है, केमिकली ये सूपी सब्सटेंस होता है, केमिकली इट इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अर्थी मैटर प्रेजेंट होता है, और इसके साथ बुल ग्रीस या कह सकते हैं क्रूड लैनोलिन या कह सकते हैं बुल फैट प्रेजेंट होता है। तो हमको इस रॉ बुल से हमको क्या कलेक्ट करना है, इस रॉ बुल से हमको क्रूड लैनोलिन को एक्सट्रैक्ट आउट करना है, सेपरेट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस बुल फाइबर से स्विंट हो गया, बुल स्वेट हो गया, और अदर अर्थी मैटर को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा टू कलेक्ट द, टू सेपरेट द क्रूड लैनोलिन मींस बुल फैट। तो क्या किया जाता है, तो सबसे पहले शिप से मींस बेर से ऊन को कलेक्ट कर लिया जाता है। वुल को कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको कट किया जाता है, और उसके बाद उसकी स्कोरिंग की जाती है। स्कोरिंग मतलब क्या होता है, स्कोरिंग ऑफ द रॉ वुल, रॉल की स्कोरिंग करना मतलब होता है उसको हम उस क्या करते हैं, उस कच्चे बुल को क्या किया जाता है, जिसमें बहुत से इम्प्यूरिटीज है, अंदर द सब्सटेंस है, उसको रिमूव करना है, तो उस रॉ वुल को फिर वॉश किया जाता है, वॉश किया जाता है विथ हॉट वाटर। तो हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है वॉशिंग द रॉ वुल विथ हॉट वाटर विथ डिटर्जेंट और सोप सोल्यूशन। तो क्या करते हैं, स्कोरिंग मतलब होता है वो रॉ वुल जो हम कलेक्ट किए हैं उसको गर्म पानी के साथ, उसको क्या करते हैं, गर्म पानी के साथ साथ उसमें डिटर्जेंट या सोप सॉल्यूशन के साथ उसको ट्रीट किया जाता है। इससे क्या होता है, या उसको अल्कली सॉल्यूशन से उसको ट्रीट करते हैं। इस वॉशिंग प्रोसेस से क्या होता है, मींस स्कोरिंग प्रोसेस से क्या होता है, जितने भी उसमें डर्ट है, अदर अर्थी मैटर है, और जो वुल ग्रीस है, वो स्वेट सॉल्ट है, एवरीथिंग जो भी अदर सब्सटेंस है जो कि उस वुल में, रॉ वुल में जो प्रेजेंट है, वो क्या हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। और क्या बनता है, इमल्शन बनता है वाटर में, मींस उस वाटर में क्या बन जाता है, वो इमल्शन बन जाता है, मींस रॉ मतलब ये जो वुल फाइबर है, वुल फाइबर से ये सारे सब्सटेंस जो है रिमूव होके कहाँ पे आ जाते हैं, वाटर में आ जाते हैं, और इस तरीके से इमल्शन बन जाता है। अब क्या किया जाता है, उस इमल्शन की क्रैकिंग करते हैं बाय द एडिशन ऑफ H2SO4, H2SO4 ऐड किया जाता है, जिससे वो जो इमल्शन बना हुआ है उसकी क्रैकिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे फैटी एसिड जो इसमें प्रेजेंट है, हमने आपको बताया था इसमें वुल स्वेट स्विंट प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो ये क्या होते हैं, फैटी एसिड जो कि लोअर लेयर में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। और जो बुल ग्रीस, बुल ग्रीस मतलब कि जो हमारा क्रूड लैनोलिन है,
कह सकते हैं वुल फैट है, वो कहाँ पे आ जाता है, वो फ्लोट होने लगता है, एक तरीके से क्रीम की तरह वो फ्लोट होने लगता है ऑन द सर्फेस। और इसी वुल ग्रीस को क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रॉ लेनोलिन बोलते हैं। तो रॉ लेनोलिन को हम सेपरेट करते हैं और इसको क्या, इसमें फर्दर इसको प्यूरिफाई किया जाता है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन विद द वाटर। वाटर के साथ इसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने से जो प्योर लेनोलिन है, मीन्स जो वुल फैट है, वो सेपरेट हो जाता है। और बाय ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल सोडियम परोक्साइड यूज किया जाता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन विद वाटर एंड ब्लीचिंग से हम वुल फैट, जो रॉ वुल है, उसको क्या करते हैं, उसको प्यूरीफाई करते हैं। और जो हमको ऑप्टेन होता है इस प्यूरिफिकेशन और ब्लीचिंग के बाद, वो कहलाता है प्योर एनहाइड्रस लेनोलिन, प्योर एनहाइड्रस लेनोलिन कहलाता है। और इस प्योर एनहाइड्रस लेनोलिन से हम फिर हाइड्रस वुलफेट या हाइड्रस लेनोलिन प्रिपेयर करते हैं। किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, तो ये प्योर जो एनहाइड्रस लेनोलिन है, इसको ट्रीट किया जाता है, मिक्स किया जाता है इस वुलफेट को विद 30% ऑफ वाटर टू प्रिपेयर। यहाँ पे हमने लिखा है इंटीमेटली मिक्सिंग द वुलफेट विद 30% वाटर टू प्रिपेयर हाइड्रस वुलफेट। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ वुल फैट, कह सकते हैं लेनोलिन, एनहाइड्रस लेनोलिन एंड हाइड्रस लेनोलिन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं किस तरीके से ये वुल फैट दिखता है। तो जो एनहाइड्रस जो वुल फैट होता है, वो एनहाइड्रस लेनोलिन जो होता है, उसका कलर क्या होता है, पेल येलो कलर का होता है। ये ऑर्डर क्या होता है, फेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। ऑर्डर इसका हल्का फीका होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, टेस्ट ब्लैक होता है। और एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी, ये इनसॉल्युबल होता है इन वाटर, बट इसकी सॉल्युबिलिटी होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड एंड पेट्रोलियम ईथर में। और ये क्या होता है, इट इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट लाइक मास्क। ये क्या होता है, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है ये वुल फैट। और क्या होता है, ये टेनिशियस सब्सटेंस, टेनिशियस सब्सटेंस होता है, मतलब कि ये जो क्या होता है, ये स्टिकी होता है, मीन्स किसी भी सरफेस पे, किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी चीज के सरफेस पे ये स्टिक हो जाता है। ये स्टिकी एडहेसिव सब्सटेंस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेनिशियस बोलते हैं। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन अबाउट द वुल फैट। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये वुल फैट है, जिसको हम वुल ग्रीस या लेनोलिन भी बोलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये येलोइश कलर का है, और ये जो है सेमी सॉलिड स्टिकी सब्सटेंस होता है, मतलब चिपचिपा होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, या कह सकते हैं ये ऑइंटमेंट लाइक मास में प्रेजेंट होता है। तो यही वुल फैट को यूज़ किया जाता है डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस बनाने के लिए, जैसे क्रीम्स और ऑइंटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फैट होते हैं, जब उसको हीट किया जाता है तो दो लेयर में वो सेपरेट हो जाता है, और कंटिन्यूस हीटिंग से क्या होता है, वाटर जो है कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसमें क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि नाम है वुल फैट, ये फैट की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, सिर्फ इसको नाम दिया गया है ऐसा वुल फैट। ये किसकी कैटेगरी के अंदर आता है, ये आता है वैक्स की कैटेगरी के अंदर। तो ये जो वुल फैट है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि लिपिड्स के अंदर क्या आता है, लिपिड्स के अंदर आता है फिक्स्ड ऑयल फैट एंड वैक्सेस आता है। तो ये जो फिक्स्ड ऑयल एंड फैट जो होते हैं, ये केमिकली क्या होते हैं, ये केमिकली ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। और ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स जो है ईस्टर्स ऑफ 3 फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल होता है। तो केमिकली क्या हुआ, केमिकली फिक्स्ड ऑयल फैट जो है ये ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, 3 फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल होते हैं। बट जो वैक्सेस होते हैं, वैक्सेस भी ईस्टर्स होते हैं केमिकली, बट ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड हाई मोलिकुलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। तो हम जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, तो वुल फैट के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि फिक्स्ड ऑयल फैट के अंदर होता है। इसमें प्रेजेंट होता है ईस्टर ऑफ हाई मोलिकुलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड फैटी एसिड। इसी कारण से ये जो वुल फैट होता है, वो वैक्स की कैटेगरी के अंदर आता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये इसमें ईस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड हाई मोलिकुलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसमें जो अल्कोहल प्रेजेंट होता है, मेनली जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, आइसो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है एंड अदर अनसैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्रेजेंट होता है। या तो ये जो कोलेस्ट्रॉल, आइसो कोलेस्ट्रॉल एंड अनसैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, या तो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या तो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं लेनोसैलिक एसिड
लैनोपैल्मिटिक एसिड, कैरनोबिक एसिड और अदर फैटी एसिड के साथ ये अल्कोहल जो है ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं या तो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इस वुलफेट में। कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इसका मतलब ये अल्कोहल और फैटी एसिड मिलके ये क्या है, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड फैटी एसिड मिलके ये क्या बनते हैं, ये ईस्टर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या तो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और इसमें एलिफेटिक अल्कोहल भी प्रेजेंट होता है जैसे कि सिटाइल अल्कोहल, सेराइल अल्कोहल, कार्नाबाइल अल्कोहल, ये प्रेजेंट होता है इस वुल फैट में। तो वुल अल्कोहल किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, तो वुल अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं बाय द सैपोनिफिकेशन ऑफ क्रूड लैनोलिन एंड द सेपरेशन ऑफ द अल्कोहल फ्रैक्शन। सैपोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, सैपोनिफिकेशन मतलब वुल फैट को क्या करते हैं, जो तो ये वुल फैट जो हम प्रिपेयर किए हैं उस वुल फैट का सैपोनिफिकेशन किया जाता है, मतलब इसको अल्कोहलिक अल्कली सॉल्यूशन में जैसे कि KOH या NaOH सॉल्यूशन से उसको ट्रीट किया जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इससे अल्कोहलिक अल्कली सॉल्यूशन से ट्रीट करने पे ये क्या होता है, ये हाइड्रोलाइज होता है और इसके अंदर जो ईस्टर्स प्रेजेंट है वो ईस्टर्स क्या होते हैं, ईस्टर्स सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सोप मॉलिक्यूल बोलते हैं। और इसी कारण से इस प्रोसेस को हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं क्योंकि इसमें सोप मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, मीन्स सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट। अगर हम NaOH ले रहे हैं तो सोडियम सॉल्ट, अगर हम KOH ले रहे हैं तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनता है जो कि उस ईस्टर में प्रेजेंट है। और उसमें उस ईस्टर में जो अल्कोहलिक पार्ट है वो हाइड्रोलिसिस होने पे क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और वही अल्कोहलिक फ्रैक्शन को कलेक्ट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है और वही अल्कोहलिक फ्रैक्शन क्या कहलाता है, वुल अल्कोहल कहलाता है। इसी प्रोसेस को हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं। तो ये हो गया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वुल फैट। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे इस वुल फैट का केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, किस तरीके से इसको इवैल्यूएट किया जाता है, क्या इसका स्टैंडर्ड है एंड कमर्शियली कहाँ पे यूज करते हैं और इसका फार्मास्यूटिकल यूज। तो आइए जानते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में। इसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ वुल फैट। स्टैंडर्ड्स ऑफ वुल फैट मतलब होता है यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स दिए गए हैं, एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, ऐश वैल्यू, मेल्टिंग पॉइंट, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं और इनकी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज, ये स्टैंडर्ड जो लिमिट दी गई है, तो इन पैरामीटर्स से हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो फिक्स्ड ऑयल है, फैट है या वैक्सेस होते हैं, इनको क्या किया जाता है, इनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, इनकी क्वालिटी को एनालिसिस की जाती है। मतलब हमारे पास कोई भी अगर फिक्स्ड ऑयल, फैट या वैक्सेस का सैंपल है तो इसकी क्वालिटी को चेक करना है तो क्या किया जाता है, तो इन स्टैंडर्ड जो वैल्यूज है, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को अप्लाई करके, स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करके इन पैरामीटर्स को डिटरमाइन किया जाता है। और इस सब पैरामीटर्स को डिटरमाइन करने के बाद हमारे सैंपल की जो भी वैल्यू आई है उनको इन वैल्यू से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि ये जो है स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट होता है। तो ये जो है ये एनहाइड्रस लैनोलिन का स्टैंडर्ड वैल्यूज है, तो एसिड वैल्यू कितना होता है, एसिड वैल्यू नॉट मोर देन वन, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू सब क्या होता है, इससे पहले हमने बीस वैक्स के वीडियो में हमने डिटेल में बताया था। और सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू 90 से 105 के बीच में आना चाहिए, उसका रेंज होता है, स्टैंडर्ड लिमिट है। आयोडीन वैल्यू 18 से 32 होता है, मीन्स अगर हम वुल फैट का आयोडीन वैल्यू या सैपोनिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू अगर निकालते हैं तो स्टैंडर्ड जो वैल्यूज है इन्हीं वैल्यू से कंपेयर किया जाता है उस वुल फैट, हमारे पास जो सैंपल है उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए। उसके बाद एश वैल्यू नॉट मोर देन 0.15% और मेल्टिंग पॉइंट 36 से 42% इसका होता है। और इस मेल्टिंग पॉइंट रेंज से हम उस वुल फैट की क्वालिटी को, उसकी प्योरिटी को हम चेक कर सकते हैं। मीन्स ये जितने भी पैरामीटर्स, जितने भी स्टैंडर्ड वैल्यूज दिए गए हैं, स्टैंडर्ड लिमिट, इन सभी से हम उस वुल फैट के क्वालिटी को, प्योरिटी को उसके चेक किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट एडल्ट्रेंट, किस तरीके से मिलावट कर दिया जाता है वुल फैट में, किन किन चीज़ों से। तो सॉफ्ट पैराफिन यूज करते हैं, सॉफ्ट पैराफिन वैक्स से मिलावट कर दिया जाता है वुल फैट में, या अगर कोई एनिमल या वेजिटेबल ऑयल एंड फैट से उसको मिलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट ऑफ वुल फैट। तो वुल फैट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या केमिकल टेस्ट लगाते हैं, और इसमें जो अगर कोई
मिलावट कर दिया गया है, कोई एडल्टरेशन कर दिया गया है, तो उसको किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है बाय द केमिकल टेस्ट, तो उसको हम आपको बताएंगे। तो वुल फैट में क्या प्रेजेंट होता है, हमने आपको बताया था इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। तो कोलेस्ट्रॉल के प्रेजेंस को चेक करने के लिए लिबरमैन बर्चर टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें वुल फैट लिया जाता है, उसमें वुल फैट लेने के बाद उसको क्लोरोफॉर्म में डिजोल्व किया जाता है। क्लोरोफॉर्म में डिजोल्व करने के बाद उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड लगभग 1 ml उसमें ऐड करते हैं और उसमें लगभग 2 drops H2SO4 ऐड किया जाता है। तो कलर क्या प्रोड्यूस होता है, डीप ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन वुल फैट। और अगर इस वुल फैट में किसी अदर सब्सटेंस की मिलावट कर दी जाती है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट या जितना भी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो वैरी करेगा। मीन्स अगर इसमें पैराफिन वैक्स का अगर मिलावट कर दिया जाता है या अदर वेजिटेबल ऑयल या फैट का अगर मिलावट कर दिया जाता है तो हो सकता है कि उसकी सैक्रिफिकेशन वैल्यू क्या हो जाए वो बढ़ जाए या मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाए ये भी वैरी करे, जो मेल्टिंग पॉइंट का जो रेंज है। तो इससे हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस वुल फैट की क्वालिटी को और उसमें अगर उसकी प्यूरिटी को, उसमें अगर कोई मिलावट कर दी गई है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अगर उसमें एडल्टरेंट ग्लिसरॉल है, मतलब कि ग्लिसरॉल उसमें मिला दिया गया है, तो उसको हम किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या किया जाता है, वुल फैट को हम शेक करते हैं विथ हॉट वाटर। हॉट वाटर के साथ शेक करने के बाद उस एक्वस लेयर को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। एक्वस लेयर को अलग करने के बाद उसको ड्राई किया जाता है, इवेपोरेट किया जाता है कम्प्लीटली। तो इवेपोरेट करने के बाद उसमें कोई ग्लिसरॉल जो है नहीं आना चाहिए, मतलब ग्लिसरॉल नहीं बचना चाहिए। अगर उसमें ग्लिसरॉल जो है, यहाँ पे हमने लिखा है ऑन इवेपोरेटिंग द एक्वस लेयर शुड नॉट यील्ड ग्लिसरीन, मतलब कि पूरा एक्वस लेयर को जो है इवेपोरेट करने के बाद उसमें ग्लिसरीन जो है यील्ड नहीं होना चाहिए। अगर ग्लिसरीन यील्ड होता है इसका मतलब उसमें ग्लिसरीन की मिलावट कर दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, वुल फैट में अगर क्यूबेच ऐड किया जाता है उसके बाद उसको बॉयल करते हैं तो कोई भी अमोनिया का ऑर्डर नहीं आना चाहिए। अगर उसमें अमोनिया का ऑर्डर आता है इसका मतलब उसमें नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक जो मैटर है वो प्रेजेंट है, और अगर नहीं आता है तो उसमें नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर एब्सेंट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट यूजेस, फार्मास्यूटिकल यूज एंड कमर्शियल यूज ऑफ वुल फैट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज लिखा हुआ है इमोलियंट। इमोलियंट प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, इमोलियंट प्रॉपर्टी मतलब जब इस वुल फैट को हम स्किन पे एक्सटर्नली जब इसको अप्लाई किया जाता है स्किन पे तो ये स्किन को क्या करता है, सॉफ्ट करता है। और अगर कोई इरिटेशन हो रहा है, अगर कोई जलन हो रहा है तो उसको भी क्या करता है, उससे भी रिलीफ दिलाता है, सूदिंग अफेक्ट प्रोवाइड करता है, आराम दिलाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को इमोलियंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये जो वुल फैट है वो एज एन इमोलियंट यूज किया जाता है, और लार्जली इसको किस कहाँ पे यूज करते हैं, इट इज कॉमनली यूज एज एन इंग्रेडिएंट, एज एन इमोलियंट बेस एंड वेरियस ऑइंटमेंट एंड क्रीम प्रिपरेशन। मीन्स डिफरेंट इसकी इमोलियंट प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको यूज किया जाता है एज एन इमोलियंट बेस इन द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट एंड क्रीम प्रिपरेशन। डिफरेंट टाइप्स के स्किन क्रीम्स होते हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, तो उसमें इसको ऐड किया जाता है एज अ इमोलियंट बेस, इसको ऐड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इट इज मेनली यूज एज अ वाटर एब्जॉर्बेबल ऑइंटमेंट बेस, मतलब कि इस वुल फैट को ऐसा ऑइंटमेंट बेस यूज करते हैं। कौन सा ऑइंटमेंट बेस, वाटर एब्जॉर्बेबल ऑइंटमेंट बेस। वाटर एब्जॉर्बेबल मतलब जैसे कि नाम है, ये वाटर को क्या करते हैं, वाटर को इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं और ये वाटर से इजिली क्या होते हैं, स्किन सर्फेस में अगर इसको अप्लाई किया जाता है तो इजिली रिमूव भी हो जाते हैं। तो इसको एज अ वाटर एब्जॉर्बेबल ऑइंटमेंट बेस इसको यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं एज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट। मॉइस्चराइजिंग एजेंट यूज किया जाता है टू ट्रीट द ड्राई रफ स्केली इची स्किन, मतलब कि अगर स्किन ड्राई हो गई है और रफ हो गया है, स्केली हो गया मतलब कि जैसे पपड़ीदार हो गया है, पपड़ी हो गया है, इची स्किन हो रही है, खुजली हो रही है, तो उस और या कोई माइनर जो है स्किन इरिटेशन है तो उसमें जो है इस वुल फैट को यूज किया जाता है, इसकी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद नेक्स्ट यूज हमने यहाँ पे लिखा है, इट इज यूज टू प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग बाय द स्किन बिकॉज द वुल फैट इज रेडिली एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। मतलब ये जो है इस वुल फैट को हम यूज करते हैं मीन्स डिफरेंट ऑइंटमेंट क्रीम्स में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है, मीन्स जो मेन ड्रग जो यूज करते हैं, तो उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए, उसके एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करने के लिए थ्रू द स्किन उसमें जो है क्या इनकॉर्पोरेट किया जाता है, वुल फैट को ऐसा बेस इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो ये क्या करता है, ये वुल फैट उन ड्रग सब्सटेंस उन एक्टिव इंग्रेडिएंट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है थ्रू द स्किन, और इसी कारण से इसको हम यूज करते हैं टू प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग बाय द स्किन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इट इज द कॉमन इंग्रेडिएंट
and the base for the several water soluble skin creams and cosmetic preparation. बहुत से cosmetic preparations के लिए और water soluble skin creams बनाने के लिए as a base जो है, water soluble base जो है इस wool fat को use किया जाता है. तो ये हो गया different pharmaceutical uses of wool fat और इसको किस तरीके से स्टोर करके रखा जाता है इस वूल फैट को. तो इसका कोई स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशन नहीं होता है, इसको हम नॉर्मली जो है स्टोर करके रखते हैं इन वेल क्लोज्ड कंटेनर. तो ये हो गया वूल फैट के बारे में. और ये जो सभी कंटेंट है हमने लिया है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक बीरेन शाह एंड ए के सर से, फार्माकोग्नोसी की बुक ट्रीज एंड एडवांस एंड फार्माकोग्नोसी की बुक सी के कुकाते से. थैंक यू.